हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिया क्रिएशन अगेन। आज का वीडियो जो हम लोग बनाने वाले हैं, वो वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे कस्टमरों ने हमको बोला हुआ है कि सर, जो आप वीडियो बनाते हो उसमें यहाँ पे इमेजेस आती है जो साइड में दिखती है, वो आप यूज़ कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए, एनग्रेव के लिए भी इमेजेस हम लोगों ने PNG का एक फंक्शन दिया हुआ है, तो वो कहाँ से आती है इसमें, तो आज वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए कि ये वाली इमेज आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारी इमेजेस यूज़ नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उसके लिए है। जैसे ये अभी मैंने मेरी इमेजेस सारी निकाल दी है, तो अभी यहाँ पर इमेजेस कैसे आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इमेज डाउनलोड का जो ये बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक खुल जाएगी। अगर लिंक नहीं खुल रही है, मे बी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ये वीडियो के, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जिप फाइल हम लोगों ने रखी हुई है, तो इसमें से कोई भी आप एक जिप फाइल डाउनलोड करो। जैसे ही ये जिप फाइल डाउनलोड होती है, अभी इसको ओपन करो आप। अभी ये जो जिप फाइल है इसके अंदर इमेजेस रहती है हमारी, तो आपको इसको कहीं पे डालना नहीं है। जैसे आपका ये वाला एक फोल्डर रहता है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर डाला हुआ, वहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस करके एक फोल्डर है, तो ये वाली जो जिप फाइल है वो नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करनी है, मतलब इमेजेस उसके अंदर फूड और सारी इमेजेस उसके अंदर आ जाएगी। तो आपको सिंपल इतनी ही चीज़ करनी है। जैसे ये मैंने फूड वाला लिया, मतलब ये सारी इमेजेस हो गई। अभी नेक्स्ट मैं कोई सा भी, जैसे म्यूज़िक है, लव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब बहुत सारी, तकरीबन 6-7 हज़ार इमेजेस हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर डाली हुई है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। आप प्रिंट करने के लिए सारी इमेजेस यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला है, तो इसको भी मैं डाल देता हूँ इमेज के फोल्डर में। अभी ये सारी फाइलें आपको सॉफ्टवेयर में दिख जाएगी। अभी इसके बाद एक और हम लोगों ने डाला हुआ है, हमारे सारे डेकल्स जो है वो एनग्रेव इमेजेस करके, जो ये वाला फोल्डर जिप फाइल है आप वो डालोगे तो जितने भी डेकल्स हैं वो, और ये इमेजेस हम लोग रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, तो आप उसको फिर से डाउनलोड करके भी, मतलब 2-3 महीने में एक बार फिर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एनग्रेव इमेजेस है, तो ये एनग्रेव इमेजेस कौन सी है कि आप यूज़ कर सकते हो एनग्रेव के लिए, बाकी सारी इमेजेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, आप एनग्रेव के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। मगर ये एनग्रेव इमेजेस, अभी मैंने ये 3 यहाँ पे डाल दिए। पहले मैंने दिखाया हुआ था कि यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं है, सिंपली मुझे सॉफ्टवेयर इमेजेस डाल के रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट किया है, मतलब बंद करके चालू किया है। अभी आपको सारी, जितने भी आपने फोल्डर रखे हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे म्यूजिक, तो ये सारी आ गई। तो अभी इसके ऊपर जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, जैसे इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी इसको आप प्रिंटिंग के लिए, आपकी वो पर्सनलाइज स्कीन या कोई भी स्कीन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ एनग्रेव इमेजेस, तो जितने भी डेकल्स हम लोगों ने डाले हुए हैं वो सारी PNG है ये, जैसे ये भी डेकल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम लोग डेकल्स में जाते हैं, तो ये सारे डेकल्स, जितने भी डेकल्स हैं वो सारी PNG इसके अंदर डाला हुआ है हम लोगों ने, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो एनग्रेव के लिए। तो अभी यही चीज़, ये जो इमेज है ये आप डेकल्स PNG एनग्रेव के लिए सारी यूज़ हो जाएगी। तो अभी ये वीडियो बनाने का बस यही रीज़न था कि बहुत सारे लोग हैं
जो हमारी इमेजेस नहीं यूज़ करते, या तो फिर उनको अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए, जैसे ये सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज रहती है, ये सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज रहती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए, लैपटॉप की स्क्रीन, पर्सनलाइज स्क्रीन के लिए। और अभी मैंने दो ही फोल्डर बना के आपको दिए हैं, अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे हैं, 3Ds हैं, एनिमल्स हैं, बैक टू स्कूल है, बर्थडे के हैं, कोट है, पोकेमोन है, प्लेस, नेचर, बहुत सारे हम लोगों ने डाले हुए हैं। तो ये सारे आप डाउनलोड कर लो, और आपका जो ये इमेजेस का फोल्डर है इसमें आप एक्सट्रैक्ट कर लो। मतलब एक्सट्रैक्ट यही करना है कि जैसे ही आप जाओगे इमेज का फोल्डर, उसके अंदर म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर डायरेक्टली आपका फोटोज होना चाहिए। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा दूसरा, तो वो आपको सॉफ्टवेयर में नहीं दिखेगा, वो चीज़ एक ध्यान रखना। बाकी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है नए फीचर्स के साथ। तो अभी सॉफ्टवेयर में भी हम लोगों ने अपडेट दे दिया है, बहुत सारे दूसरे भी अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये इमेजेस आपको कैसे यूज़ करनी है वो सारा आपको पता ही है कैसे यूज़ करनी है, मगर ये यहाँ पे लानी कैसे है वो किसी को पता नहीं चल रहा था, बहुत सारे कस्टमर को, तो उसके लिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।